अर्चिता मसाले, कूल ग्राइंडिंग की तकनीक दे वही सिलबट्टे जैसा स्वाद। आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। मानी चौधरी, आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। समय समय पर हमें फौजी मिले हैं, फौजी भाई हमें समय समय पर मिलते रहे हैं। यदि आज हमारा सौभाग्य इस बात का भी है कि समाजवादी पार्टी को मौका मिला है इन फौजी भाइयों को एक सम्मान यात्रा में सहयोग करने के लिए, और देश की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें अपनी मन की बात कहने के लिए निकले, मैं इनको बधाई देता हूं। हमारी जो फौज है, फौजी भाई जानते होंगे, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, यहां दुनिया में सबसे ठंडी जगह पर उन्हें सीमा रक्षा करने का मौका मिलता है। वही ऐसा भी इलाका है जो गर्म सबसे ज्यादा होता है, वहां पर भी सीमा पर फौजी खड़ी दिखाई देती है। ये लोग जो राजनीतिक पार्टियां इस बात को कहती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी है तो हमारी सीमा सुरक्षित है, हम समाजवादियों का मानना है जब तक जांबाज फौजी हमारे सीमाओं पर है हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सरकार तो आती जाती चली जाती है, सरकार आती है चली जाती है, सरकारें बनती हैं, सरकारें हट जाती हैं, लेकिन फौज वहीं की वहीं सीमा पर भारत देश की रक्षा करने का काम करती है। फौजी भाइयों की इच्छा थी कि वो अपनी मन की बात जनता तक पहुंचाएं, इसलिए समाजवादी लोग इस वीर सम्मान यात्रा पर उन्हें सहयोग कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करता हुआ और अपने वीर जवानों को बधाई देता हुआ कि जनता के बीच में जाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं जनता के बीच में, उनके मन में भी, उन सवालों का भी जवाब आपके भाषणों में मिल जाएगा, और देश का जो रास्ता है, जो खुशहाली और तरक्की का है, वो इसी समाजवादी विचारधारा से निकलने वाला है। ये जो महागठबंधन हुआ है, महागठबंधन ने भी एक मौका दिया है लोगों को, देश के तमाम उन लोगों को जो संविधान बचाना चाहते हैं और संविधान से दिए हुए अधिकारों को बचाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पहले चरण में लोगों ने एकजुट होकर के इस महागठबंधन की मदद की है, आने वाले चरणों में भी इसी तरीके से हम जनता से अपील करते हैं। किताब और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ फौजी भाई भी हैं, समाजवादी साथी है, समाजवादी कार्यकर्ता पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आज जब पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा है, आज पूरा का पूरा देश बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहा है। उन्होंने ऐसा संविधान दिया जिस संविधान के नीचे न कोई भेदभाव है, भाईचारा है, और इसी रास्ते पर देश अगर चले तो सबसे ज्यादा मजबूत देश दिखाई देगा। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं हमें, संविधान से जो हमें अधिकार मिले हैं सभी लोगों को, नागरिकों को, कि ब्रिटिश स्कूल से मुझे पढ़ने का मौका मिला है, जिंदाबाद मिलिट्री स्कूल और
सैनिक स्कूल से निकले हुए बहुत सारे छात्र नौजवान फौज में आज सेवा को बधाई देता हूँ।